दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस, आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। दोस्तों, आप सभी ने फिर से आज मेरे कैपे बिटकॉइन और की सारी सारी ताजा अपडेट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ कल मेरे से दो न्यूज़ रह गई थी तो वो मैं आज कवर कर लेता हूँ जो कि आपको दिखाना इंपॉर्टेंट है। प्लस स्टॉक मार्केट का भी थोड़ा सा आपको हाल दिखा देता हूँ कि प्रीवियस दो साल से स्टॉक मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, और इसका क्रेडिट आप दे सकते हो ओपन फॉर प्रॉफिट को, जिन्होंने इमेज डाली थी ट्विटर के ऊपर, मैंने वहाँ से लिए। और ये जो वीडियोज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये मैंने ली है क्रिप्टो इंडिया के ट्विटर हैंडल से, तो उनको भी इसके लिए क्रेडिट यहाँ पे मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं वीडियो पे। और वीडियो पे चलने से पहले दोस्तों आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आपने टेक्निकल से परचेस नहीं करा है, आप सीखना चाहते हो कि कैसे मार्केट के अंदर एंट्री एक्सिट करना है, कैसे स्ट्रेटेजीज को फॉर्म करना है, कैसे पोर्टफोलियो को अपना डेवलप करना है, और हमें किस तरीके से मार्केट के अंदर काम को यहाँ पे करना है, तो आप इस मेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको नीचे मेल आईडी मिल जाएगी और ये वाला दोस्तों कोर्स है जो कि आप मुझसे अवेल यहाँ पे कर सकते हो। प्लस इस अंदर आपको लाइव चैट का सपोर्ट मिलेगा, और आपकी अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस मेल आईडी पे मेल कर दो, वहाँ पे मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन के जवाब दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हम चार्ट पे बिना टाइम वेस्ट करें, देखते हैं कि मार्केट आखिरकार किस मूवमेंट यहाँ पे ले सकता है। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर अपने बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, और यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिलेगा कि कल जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो एक लेवल है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, और हमको जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज करना होगा अगर हमको एक नए बुल रैली की तरफ या फिर एक नए साइकिल की तरफ हमको बढ़ना है। डेफिनेटली आप देख सकते हो कि जो प्राइस है उसने अच्छी तरीके से इस प्रीवियस वाले जो हाई है उसको ब्रेक डाउन करके ऊपर की तरफ गया है, जो कि मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है बिटकॉइन के अंदर। यहाँ से मुझे समझ आ रहा है कि यस, अब बिटकॉइन यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाने के लिए यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। फिलहाल में दोस्तों, हो सकता है कि जो प्राइस है वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए इस लेवल को वापस टच करने नीचे आ जाए, और या फिर थोड़ा सा इसके और ज़्यादा नीचे आके इस लेवल से रिवर्स हो सकता है। ये थोड़े से चांसेस है क्योंकि जो इंडिकेटर्स है वो 4 आवर में इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तो करेंटली जो मार्केट है वो एकदम बॉटम के आसपास से एकदम भागे जा रहा है ऊपर की तरफ, और कोई भी उसमें एक छोटा मेजर करेक्शन देखने को नहीं मिला जो कि हम ऑब्वियसली मार्केट के अंदर देखते हैं। अगर हम थोड़े से पीछे वाली साइकिल के अंदर बात करें तो आप क्लियर देख सकते हो, मार्केट ऊपर जाता है देन करेक्ट करता है, देन ऊपर जाता है देन करेक्ट करता है, ऊपर जाता है करेक्ट करता है। तो यहाँ पे भी हमको उसी तरीके से मार्केट शेयर देखने को मिलेगा, एंड फिर उसके बाद हमको हो सकता है कि जो मार्क होगा वो टूटेगा। फिलहाल में दोस्तों, ये जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है यहाँ पे टूट चुका है। लास्ट दोस्तों हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है 14,000 का, कुछ एक्सेस में 14 है, कुछ एक्सेस में 13,800 है। तो ये वेरी करता है कि आप कौन सा एक्सचेंज के ऊपर हो और वहाँ पे किस तरीके का रेट यहाँ पे चल रहा है। फिलहाल मैं इसको $14,000 लेके चलता हूँ। अगर ये $14,000 को ब्रेक डाउन कर देता है देन डेफिनेटली जो हमारा पुल फ्लैग का टारगेट है जो कि हमारा 16K के आसपास है, जिसको आपने शायद 2-3 बार से देख लिया होगा थंबनेल पे, तो वहाँ तक हम इजिली पहुँच जाएंगे, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है जो कि इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकता है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। फिलहाल में मैकडी के हिसाब से देखो तो थोड़ा सा करेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू मुझे दिख रहा है, लेकिन RSI जो है वो 60 के ऊपर है जो कि हमें एक बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। आप इस पोर्शन में देख सकते हो, ये वाला पोर्शन जो पूरा था इसको मैं आपको यहाँ से क्लियरली दिखाता हूँ कि इस वाले पोर्शन में यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मार्केट किस तरीके से एक रैली के अंदर रहा है। अगर दोस्तों आपने RSI का वीडियो नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर लो, नहीं तो मैं यहाँ पे आई बटन में दे देता हूँ, उसके बाद चेकआउट करना ताकि इसकी आपको सेटिंग समझ आए और ये भी समझ आए कि मैं यहाँ पे RSI में 60 लेवल क्यों बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों बिटकॉइन का हमारे पास ऑलमोस्ट सारे टारगेट आ चुके हैं। फिलहाल में बिटकॉइन के प्राइस इतना एक्शन नहीं है जिसको कि हम ज़्यादा मेजर कर सकें, और अगर हम सिर्फ डेली की बात करें तो डेली में आपको क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ग्रीन 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 कैंडल्स, और प्लस अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पर MACD थोड़ा सा मुझे अटक रहा है, क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करता है तो यहाँ से इसके गिरने के चांसेस भी हो सकते हैं, और यहाँ से फिलहाल में हम 60 के ऊपर हैं तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता हूं, लेकिन ये जब तक इसके ऊपर से थोड़ा और ऊपर नहीं चले जाता यानी कि हमको 70 या फिर इसके मार्क के ऊपर नहीं मिलता RSI, तब तो थोड़ा सा वरीड यहाँ पे होगा, और ऑलरेडी हमको ये वाला जो हाई है तो तोड़ना ही पड़ेगा अगर हमको ऊपर की तरफ यहाँ पे जाना है। तो देखते हो दोस्तों ये मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है और हम लोगों को आगे की तरफ बिटकॉइन की प्राइस के अंदर क्या चीजें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग चलते हैं इथेरियम कॉइन के ऊपर।
इथेरियम में भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक मेजर रेजिस्टेंस है जहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि जो प्राइस है वो स्ट्रगल कर रहा है इसको ब्रेक करने का, बट यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और अगर प्राइस को ब्रेक नहीं करता है तो डेफिनेटली हमारा जो प्राइस है वो वापस से हमें डाउनवर्ड की तरफ देखने को मिल सकता है, जो कि $298 के आसपास है। और अगर प्राइस इसको सक्सेसफुली अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन करता है देन डेफिनेटली हम लोग 343 या आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट $360 तक भी यहाँ पे जा सकते हैं। पहले तो टारगेट मैंने थोड़ा सा कम रखा है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इसकी अगर हम डेली की दोस्तों बात करें तो डेली में हमको यहाँ पर एक राइट कैंडल देखने को मिली है और बिटकॉइन से पहले इसका ब्रेकआउट हुआ था जो कि ये वाली कैंडल के अंदर था। यहाँ पे भी आप सिमिलर सिचुएशन देख सकते हो जैसे बिटकॉइन के अंदर है मैकडी में, और इसका दोस्तों आरएसआई जो है वो 60 के अंदर है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैटर है क्योंकि इथेरियम जो था वो पहले बिटकॉइन को लीड कर रहा था और अब हो सकता है कि जो बिटकॉइन है वो बाकी करेंसीज को लीड करे। तो लेट्स सी कि देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और जो यहाँ पे फॉलिंग वेज था इसका जो टारगेट है वो आप ये मान के चल सकते हो कि इसका टारगेट हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसका जो मेन टारगेट है वो है $335 या $340 के आसपास, जो कि हमें ऑलमोस्ट कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि जो पैटर्न्स की रिक्वायरमेंट्स होती है वो ऑलमोस्ट उतना करते हैं। तो लेट्स सी कि इसमें क्या होता है। अगर हम डेली के अंदर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो चुकी है, यानी कि कोई ना कोई सा ब्रेकआउट यहाँ पे हो सकता है। आप क्लियर देख सकते हो कि वॉल्यूम कितनी ज़्यादा यहाँ पे डिक्लाइन हो चुकी है इस पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर आपको क्लियर नहीं दिखे तो आप अपने चार्ट्स में भी अप्लाई करके यहाँ पे देख सकते हो। 4 आवर्स की बात करें तो 4 आवर में जो वॉल्यूम है ठीक ठाक है, कोई इससे खास नहीं है। और 4 आवर में जो इंडिकेटर्स है वो ऑलमोस्ट 60 के ऊपर हमारा आरएसआई है, लेकिन जो मैकडी है वो थोड़ा सा पे कॉम्प्लिकेट बना हुआ है। तो ये लेवल में एक इंपॉर्टेंट होगा जो कि हमें देखने को मिल रहा है $313 से लेकर $320 तक। एक बार ये ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद हमें एक अच्छा खासा $20-$30 का रनअप इसके अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं लाइटकॉइन की। लाइटकॉइन दोस्तों थोड़ा सा निराश करा, कल उम्मीद थी कि इस कैंडल से ब्रेकआउट करेगा, लेकिन अभी भी लाइटकॉइन इस ट्रायंगल के अंदर फंसा हुआ है और इसका जो एंड पॉइंट है वो बेसिकली 12 जुलाई के आसपास है। तो प्रॉब्ली आज या कल में इसका कहीं ना कहीं पर ब्रेकआउट होना चाहिए। मेजर फैक्टर तो ये है कि अगर बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो ये सारे कॉइन USD की टर्म में ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन फिलहाल में अगर हम लोग बात करें तो एक छोटा सा करेक्शन हमको देखने को मिला है इस पॉइंट पे, और RSI पे भी थोड़ा सा नीचे तरफ करेक्ट हुआ है। ऑलरेडी जो हम कह सकते हैं कि जो लाइटकॉइन है उसने 500% के आसपास का रिटर्न दे दिया है, तो मुझे यहाँ से ज़्यादा उम्मीद नहीं है लाइटकॉइन से कि वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। लेकिन हाँ, अगर करता है तो डेफिनेटली हम लोगों को ये वाला लेवल माइंड में रखना होगा $126 का। अगर ये लेवल तोड़ेगा तभी हम लोग ऊपर की तरफ $145 के आसपास यहाँ पे जा पाएंगे, और ऐसा ना हो कि एक कैंडल ला के वापस नीचे आ जाए, तो थोड़ा सा वेट करना उसके टूटने के बाद भी। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग चलते हैं BNB के अंदर। BNB में कल हमने बाय का यहाँ पे बोला था, लेकिन उसके साथ एक चीज भी हमने लगाई थी कि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को तोड़े बिना हम ऊपर नहीं जाएंगे, जो कि मैं आपको पहले से बता रहा था कि हम उस लेवल के बाद ही यहाँ पर इसमें एंट्री लेंगे। तो फिलहाल में दोस्तों ये मेजर रेजिस्टेंस है, जैसा क्लियर देख सकते हो कि प्राइस नीचे की तरफ डिक्लाइन हुआ है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो प्राइस है वो इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाना चाहता है या फिर नीचे की तरफ। फिलहाल में जिस तरीके से BNB के साथ ये चल रही है, जैसे BNB का भी क्वार्टरली बर्न भी हुआ था, बर्न मतलब कॉइन्स बर्न हुए थे, कुछ कॉइन की क्वांटिटी यहाँ पर हटा दी गई है, तो उससे प्राइस पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये भी सुनने में आया कि जो BNB की टीम है उनके BNB टोकन अनलॉक होने वाले हैं 10 या 12 जुलाई के आसपास, तो प्रॉबेबली यहाँ पर वो लोग सेल करेंगे और BNB को नीचे की तरफ गिराएंगे। फिलहाल में अगर हम BNB की परफॉर्मेंस देखें अभी तक जो भी इसने बॉटम से यहाँ पे लगाई है, तो इसको एक बार हम लोग मेजर करने की कोशिश करते हैं प्राइस एक्शन से जो कि इसके बॉटम से थी। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 841% का यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक अप ट्रेंड देख लिया है, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि MACD RSI भर भर के ऊपर वाले जोन में, यानी कि अब यहाँ से कहीं ना कहीं से तो इसके अंदर रिवर्सल आएगा, और रिवर्सल हम लोगों को प्रॉबेबली अगर एक बड़ा रिवर्सल आता है BNB के अंदर तो हम लोग $16-$17 के आसपास वापस से एक सपोर्ट को ढूंढ सकते हैं, या फिर उससे ऊपर देखें तो $20 के आसपास। पर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अच्छा बड़ा करेक्शन आना चाहिए क्योंकि BNB बहुत टाइम से ऊपर है, और अगर BNB नीचे नहीं आएगा तो नए इन्वेस्टर्स को अंदर जाने का मौका नहीं मिलेगा, और जिन्होंने गए हैं उनको प्रॉफिट भी यहाँ पे बुक करना है। तो लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन हाँ जो कॉइन बर्न होते हैं वो एक अच्छी मूवमेंट है इसके लिए, ताकि इसके प्राइस में थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट पड़ सके। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं नियो कॉइन की, और नियो कॉइन ने थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे धोखा दे दिया। जैसे कि मैंने आपको कहा था लाइट कॉइन में कि वो ट्रायंगल ब्रेक करेगा, तो लाइन का यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करी और नेक्स्ट कैंडल इसको कवर अप करके नीचे की तरफ आ गया, और जो प्राइस है वो डेफिनेटली फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने लिया था तो आप निकल जाओ, क्योंकि भाई आप एंट्री प्राइस के आसपास ही होंगे। कल जब हमने वीडियो बनाई थी तो भी हम इस पॉइंट के आसपास में ही कहीं पर चल रहे थे, तो अभी इससे दूर हो जाओ क्योंकि अभी इसके मार्केट की और बात करूँ RSI की तो दोनों ही पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं, और हो सकता है कि जो मार्केट है वो थोड़ा सा वापस नीचे तरफ रिटेस्ट ले और कुछ हमें नया पैटर्न देखने को मिले इसके अलावा, तो उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे
कि इसके अंदर एक प्रॉपर मेजरमेंट किस तरीके से होता है। तो लेट्स सी कि इसके अंदर प्राइस क्या रहती है। हाँ, अगर ये वापस इस लेवल को तोड़ के ऊपर ब्रेक करता तो अब मैं इस लेवल का वेट करूंगा जो कि 18.5 डॉलर का है, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इस बार अगर ये इसको ब्रेक करेगा देन डेफिनेटली हम लोग एक नए ट्रेंड में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इसका हाई था वो इससे टूट नहीं पाया है, क्योंकि हमको हाई तोड़ने के लिए ऑलमोस्ट इस पोजिशन के ऊपर क्लोज करनी पड़ती है कैंडल्स को। तो लेट्स सी कि यहाँ पे किस तरीके से वर्क करता है। अगर हम लोग डेली की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे डेली में भी आप देख सकते हो क्लियरली अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मैं इसमें हाथ डालने के लिए तो अभी मना कर दूंगा कि इसको अगर आप हो तो आप निकल सकते हो, बाकी आपकी इच्छा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं ऑन्टोलॉजी कॉइन की, और ऑन्टो के साथ भी सेम हुआ, जैसे कि हमने नियो के अंदर देखा कि कैंडल ऊपर गई, क्लोज करा, सेकंड कैंडल के बाद नीचे प्राइस आ गया है। इसमें भी दोस्तों आप क्लियर देख सकते हो कि मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट ले रहा है, और वन डे की बात करें तो वन डे में भी मार्केट जो है बेयरिश है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इनके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। और लास्ट कॉइन दोस्तों हमारा एक्सआरपी, एक्सआरपी ने दोस्तों यहाँ से डिक्लाइन मिला, एक अच्छा खासा फॉल अप किया, फिर से इसमें डिक्लाइन है, और ये भी नियो ऑन्टो के जैसा वर्क कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर इसने ये वाला सपोर्ट तोड़ दिया 0.37 का, तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा नीचे आ सकते हैं, ऑलमोस्ट 0.33 डॉलर के आसपास। तो अभी वेट करना पड़ेगा क्या ये 0.40 को ब्रेकआउट करता है, या फिर हम लोग इसी हिसाब से यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट दोस्तों मैंने सारे कॉइन कवरअप कर लिए हैं, आपके कुछ कॉइन्स हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उनको हम लोग बाद में कवरअप कर लेंगे। वेट कॉइन का दोस्तों हमारा ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमने ये वाला रखा था, और उसकी वजह से मार्केट सडनली गिर ही रहा है, तो अभी इसके अंदर भी जाने से कोई सेंस नहीं बनता है। बिटकॉइन की डोमिनेंस की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो बिटकॉइन की डोमिनेंस सबसे ज़्यादा हो गई है, तो जितने भी अल्ट कॉइन है उनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, और सारा ही सारा पैसा बिटकॉइन ने हड़प लिया, तो अल्ट कॉइन के पास कुछ बचा नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ऊपर की तरफ क्रॉस हुआ है मैग्नी, यानी कि इसमें और भी ज़्यादा चांसेस है कि अभी जो इसका डोमिनेंस है वो बढ़ सकता है। और इसका डोमिनेंस और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो डोमिनेंस है उसमें डिफरेंस होता है। यहाँ पे आप कॉइन मार्केट कैप पे डोमिनेंस देखोगे तो 63.9 है, और यहाँ पे कुछ 66, यानी कि 3% का प्रीमियम के ऊपर यहाँ पे चल रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये वाला सही हो, क्योंकि चार्ट के हिसाब से, और अगर मैं बात करता हूँ इस फॉर्मेशन की, तो यहाँ पर हमको क्लियरली क्लियरली बुल फ्लैग देखने को मिल रहा है, जो कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ तो ये ऑलमोस्ट इसकी 71% के आसपास इसकी डोमिनेंस को ले आ सकता है। तो सोचो कि अल्ट का क्या होगा, अल्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ही ना मिलने लग जाए, बस इसमें यही प्रॉब्लम है। बाकी अगर इसकी मार्केट कैप की बात करते हैं हम लोग, वेट करते हैं इसको आने का, तो मार्केट कैप तो अभी फिलहाल में इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है, जो जैसा मतलब बिटकॉइन का प्राइस जा रहा है उसी हिसाब से मार्केट कैप अभी 331 बिलियन डॉलर की है। ये सिर्फ बिटकॉइन की मार्केट कैप है, और अगर आप अल्टकॉइन की मार्केट कैप देखोगे तो अल्टकॉइन की मार्केट कैप थोड़ी सी साइडवेज या फिर डाउन बॉटम की तरफ चल रही है, जिससे कि यूएसडी पेयर के अंदर जितने भी कॉइन्स हैं उनमें थोड़ा सा प्राइस एक ही जगह भी फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर यहाँ से गिरता है तो डेफिनेटली अल्ट्स के अंदर करेक्शन आएगा और बढ़ेगा, तो हमको एक इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली जाएंगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो अल्ट मार्केट कैप है वो एक लेवल के ऊपर बैठी हुई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, आप इस पूरे लेवल को यहाँ पे जज कर सकते हो। जैसा कि हमारा 6 के वाला लेवल था कि अगर इसको ब्रेक डाउन करता तो अल्ट मार्केट के अंदर एक बूम आ सकता है, जो कि प्रॉब्लली मुझे अब 15-10 तारीख का तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ अगर ये अच्छे से परफॉर्म करता तो डेफिनेटली हमें इस मंथ के एंड तक या फिर नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग से शायद कुछ थोड़ा अच्छा रिटर्न अल्ट्स के अंदर देखने को मिल जाए। और अगर हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की मार्केट कैप की, तो इसने अपना ये वाला आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट था ये तोड़ के किस तरीके से एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है, तो सेम ऐसा मैं एक्सपेक्ट करूँ कि ऐसा अल्ट्स के अंदर भी देखने को मिले, और हमको एक अच्छी खासी अल्ट्स में भी रैली यहाँ पे देखने को मिले। तो ऑलमोस्ट दोस्तों सारे कॉइन हो गए, आज मैंने इसको भी कवर अप कर लिया इस वीकेंड के लिए, अब हम नेक्स्ट वीकेंड देखेंगे बिटकॉइन की डोमिनेंस और इन सारी चीज़ों को। अब चलते दोस्तों हमारे न्यूज़ के ऊपर, 2 मिनट की न्यूज़ है आज की, ज़्यादा नहीं है। तो फिलहाल में दोस्तों आप उनको मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में बता देता हूँ। तो स्टॉक मार्केट के दोस्तों कुछ फंड्स हैं जिन्हों हम कहते हैं म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग कंपनीज के हैं, और इनका अगर आप 2 साल का SIP रिटर्न देखोगे तो सारा नेगेटिव में रहा है। और जो लोग बिटकॉइन को स्टॉक मार्केट वाले चेस कर रहे थे कि जीरो जाएगा वो खुद इसके देख सकते हैं। हालांकि प्रीवियसली इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, 23-25% तक रिटर्न निकाल के दिए, लेकिन अभी 2 साल से आप क्लियरली देख सकते हो कि इनका जो रिटर्न है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और सबसे कम इनके अंदर जो गिरा है वो है सुंदरम का मिड कैप वाला फंड, लेकिन बाकी सारे ठीक ठाक है। तो ये दोस्तों पहली थी, और दूसरी दोस्तों जो न्यूज़ थी वो थी ट्रॉन की तरफ से। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये वाली कुछ वीडियोस मैंने टेलीग्राम पे शेयर करी, आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हो। ये ट्रॉन का ऑफिस, और यहाँ पर इनके पास पुलिस आ गई थी, और इसके पीछे की कहानी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। किसी ने वीडियो निकाल के यहाँ पे डाला था और एक फेक न्यूज़ फैला दी थी कि ट्रॉन के ऊपर रेड पड़ी है और ट्रॉन ने कुछ फेक काम यहाँ पे करा है। एक वीडियो ये थी, और दूसरी वीडियो ये है जहाँ पे आप देख सकते हो कि पुलिस वालों के साथ किस तरीके से लोग की झपटा झपटी यहाँ पे चल रही है। तो एक्चुअली दोस्तों इसमें हुआ ये था कि जो
यहाँ पर ट्रॉन है उसकी किसी ने फेक वेबसाइट बना ली, यानी कि एक ट्रॉन के नाम से एक नया कॉइन बना के, उनको कुछ चाइनीज़ में कहते हैं मुझे याद नहीं है, तो उस नाम से उन्होंने एक फेक वेबसाइट बनाई, लोगों से इन्वेस्टमेंट कराया रिटर्न्स दिखा के, और उसके बाद जब लोगों को वो स्कैम करके चले गए तो लोगों को लगा कि ये तो असली ट्रॉन ने करा, और वो ट्रॉन के ऑफिस पहुँच गए कि चलो भैया हमारा पैसा दे दो। तो इसी कारण ट्रॉन को यहाँ पर पुलिस बुलानी पड़ी और ये सारे काम यहाँ पर हुए। तो थोड़ा सा दोस्तों ऐसे फेक वेबसाइट से बच के रहो। अगर आपको किसी भी वेबसाइट पर जाना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कॉइन मार्केट कैप पर जाओ, जो भी कॉइन है उसको आप से सर्च करो, जैसे कि हम बात करते हैं बिटकॉइन, बिटकॉइन को सर्च करो, बिटकॉइन की वेबसाइट यहाँ पे लिखी है, ये आपको जिनाइन तरीका बताएगी जहाँ से कि आप सेफली जा सकते हो किसी भी कॉइन के आसपास। तो जो भी है हमेशा ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू जाओ, क्योंकि अननोन सोर्स के चले जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और इसी तरीके से दोस्तों जो प्रॉब्लम्स होती है वो होती हैं एक्सचेंजेस के साथ, जब आप साइन अप करने जाते हो कुछ करने जाते हो तो लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अगर आपको जिनाइन लिंक चाहिए तो आप नीचे आके क्लिक कर सकते हो, आपको वजीरएक्स, बाइनेंस और ढेर सारे एक्सचेंज, बिटमैक्स, सबकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी और उन पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स ऑफर भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी न्यूज़ हो चुकी है, और एक लास्ट जो न्यूज़ आ रही थी दोस्तों वो आ रही थी इंडिया की तरफ से, कि इंडिया के अंदर जो आप कह सकते हो कि जो हमारे पास जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है क्रिप्टो कोर्स के बारे में, कि क्रिप्टो को जो कोर्स है वो कैसे करना है उसके ऊपर, मतलब उसकी पूरी डिटेल्स हमें बताई जाएंगी। तो अगर आप पुलिस में हो तो मुझे प्लीज़ बताना कि आपको भी क्या वो ट्रेनिंग मिलने वाली है, और शायद वो अगस्त में होने वाली है ट्रेनिंग, अगस्त या फिर जुलाई के 12 तारीख है, तो मैं उसका डेट कन्फर्म नहीं है। तो अच्छी बात है कि इंडिया कुछ यहाँ पे आगे की तरफ फॉरवर्ड स्टेप्स ले रहा है। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर बस एक ही प्रॉब्लम है कि इंडिया इसको पॉजिटिव ले रहा है, नेगेटिव ले रहा है, कुछ भी पता नहीं है। तो मोदी जी से दरखास्त है कि प्लीज़ बता दो कि भाई क्या सब चल रहा है, एटलीस्ट जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो, एक्सचेंजेस वापस चालू हो, और बहुत सारा जो एक फंड रेसिंग का काम है वो इंडिया यहाँ पे कर सके और आगे भी अच्छे तरीके से यहाँ पे बढ़ सके। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हम करते हैं इसको यहीं पैंट, कुछ भी और नया इंटरेस्टिंग मिलेगा तो आप लोगों के साथ जरूर मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। सो अगर दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आएगी दोस्तों, अगर वीडियो अगर पसंद हो दोस्तों कर देना लाइक, नहीं तो दोस्तों कर देना डिसलाइक। दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्टिंग यहाँ पे पा सके और पूरे मार्केट से आप अपडेटेड रह सके। तो बस दोस्तों मिलता है आप सभी वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।